नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आपको सामने जो आपको ये प्लेस दिख रहा है, इस प्लेस की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और बड़ी अच्छी कहानी है। जो आपको सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि कहानी कैसी है। पहले मैं इसको आपको एक बार अंदर ले चलता हूँ, ये है क्या चीज़। दोस्तों, पहले इससे बाहर चलते हैं और फिर मैं आपको यहाँ की कहानी बताता हूँ। दोस्तों, ये लोदी वंश की एक लावारिस मस्जिद है। दोस्तों, सेम इसी मस्जिद यहाँ पे है। दोस्तों, ये लोदी वंश की जब एक लावारिस जब मस्जिद थी, लोदी वंश जब अपना शासन छोड़ के और मर चुका था, उसके बाद ही ये वीरान हो चुकी थी मस्जिद, क्योंकि यहाँ पे लोग कपल्स आते हैं बस। उसके अलावा और कोई नहीं इसका इतिहास इतनी तरह जानता है। दोस्तों, आसपास कोई बोर्ड भी नहीं लगा है और इसकी जानकारी ये है कि यार सबको मिली जाती है इसकी जानकारी, अगर लोग सर्च करें, रिसर्च करें तो जानकारी मिली जाती है। दोस्तों, इस मस्जिद का ये मानना है कि यहाँ पे लोदी वंश की जब ये लावारिस मस्जिद थी, उसके बाद ये कई 200 साल बाद लावारिस ही हो गई थी। यहाँ कोई आता जाता नहीं था, उससे पहले की कुछ यहाँ पर घटना घट गई थी। क्योंकि जब यहाँ पर लोग नमाज पढ़ने आते थे, तो यहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद जो लोग लास्ट में आते थे नमाज पढ़ने यहाँ पर, दोस्तों, तो ऊपर से जो यहाँ का मलबा था मस्जिद का, वो गिर चुका था। मैं आपको एक बार ऊपर गुम्बद दिखा दूँ उसकी। ये गुम्बद दोबारा बनाई गई है दोस्तों 200 साल पहले। ये गुम्बद ऊपर की जो गुम्बद है, ये दोबारा बनाई गई है। ऊपर वाली गुम्बद गिर गई थी और यहाँ पे काफ़ी लोग जो थे दब के मर गए थे ये वाली मस्जिद में। दोस्तों, ये एकदम लावारिस मस्जिद है। यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे कपल्स हैं जो आते हैं जाते हैं, बहुत ही कम कपल से दोस्तों जो आते जाते, क्योंकि ये एक जंगल के एकदम कॉर्नर में है। क्योंकि आसपास यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, खाली पड़ी रहती है। जो कपल से यहाँ पे रेगुलर, जो फैमिली यहाँ पे रेगुलर आती है, उस मस्जिद के बारे में दोस्तों लोगों को पता है। क्योंकि ये जो मलबा गिर गया था, जो यहाँ पर लोग मर गए थे, उनके कहते हैं कि अभी तक वो यहाँ पर लोग दिखते हैं एकांत में और यहाँ पर उनकी आवाज़ें आती हैं यहाँ पर। और एक मस्जिद दोस्तों ये है, जो ऊपर जाने का भी इसके अंदर रास्ता है, पर मैं आपको ऊपर जाके एक बार दिखा देता हूँ कि ऊपर जाने का रास्ता है। दोस्तों, ये देखें वक्त के साथ ये मस्जिद, उस टाइम की तो बड़ी खूबसूरत थी, पर ये 700 साल पुरानी मस्जिद है। जो ये बीच में मैं आपको दिखा दूँ, दरार आ चुकी है और ये काफ़ी जो इसका स्ट्रक्चर है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर ना गिर जाए। उस वो कोना आपको दिख रहा होगा जो टूट चुका है पूरा, एक कोना, और पूरी ये मस्जिद बर्बाद हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई नहीं आता, लोग पहले तो आते थे, पर जब से लोगों को यहाँ की स्टोरी पता चली है, यहाँ पे कई दीवालों पे आप कपल्स के नाम देखने को मिल जाएंगे। इसके बाहर एक गार्डन है दोस्तों, जो इसकी चार दीवारी से, चार दीवारी भी कहते हैं आपको, ये पूरी चार दीवारी दिख रही होगी बाहर इसकी, आपको ये पूरी चार दीवारी दिख रही होगी, इसे चार दोस्तों। इसलिए यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि ये लावारिस एक मस्जिद है, क्योंकि जो हॉन्टेड करार दे दी गई है आसपास के लोगों ने। और यहाँ पर गूगल पे भी एक बार सर्च करोगे ना, आपको बहुत ढूंढने से मिलेगी। दोस्तों, हम ऊपर की ओर चलते हैं और ऊपर मैं आपको दिखा दूँ कि ऊपर भी एक ऐसी एक मस्जिद है, दो जीने हैं यहाँ पर उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, और ये एक और जीना है जो नीचे की ओर जा रहा है। यहाँ बहुत ही लोग आते हैं, कम आते हैं दोस्तों। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरी मस्जिद खाली पड़ी है, जिसे अब हॉन्टेड करार दे दी गया है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी कुछ वजह हैं। मैं आपको एक बार ऊपर से भी दिखा दूँ आपको, वो जो चार दीवारी दिख रही होगी, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो लेबर हैं, मजदूर हैं, जो इस गार्डन की अभी काम कर रहे हैं। और ये चार दीवारी दिख रही होगी, इसे चार दीवारी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, अब हम नीचे की ओर चलते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि पूरा प्लेस खाली पड़ा है। पहले मैं नीचे चलता हूँ दोस्तों, फिर मैं आपको थोड़ी सी, दोस्तों एक बार मैं आपको साइड से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ जितना दिख रहा है। ये देखो दोस्तों, ये जो यहाँ पे आपको ये मलबा हटता हुआ इसका दिख रहा है, इस मस्जिद का, ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है और कुछ ही टाइमों में, शायद ये कुछ ही साल में शायद हमें देखने को ना मिले, क्योंकि ये तोड़वा दी जाएगी या फिर तोड़ दी जाएगी। क्योंकि जहाँ तक ये है, यहाँ पे लोग आते बहुत कम है। एक बार मैं आपको पूरा ऊपर तक दिखा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो मस्जिद है, ये आपको कोने कोने से नज़र आ रही होगी, ये टूट चुकी है पूरी। दोस्तों, ये थी एक लोदी के टाइम की पुरानी मस्जिद, जो अभी एकदम लावारिस पड़ी हुई है। ये लावारिस पड़ी है एकदम, क्योंकि यही वो मस्जिद थी जहाँ पे एग्जैक्ट यही वो पॉइंट था, क्योंकि जो ये मस्जिद है,
यही वो पॉइंट था, क्योंकि दोस्तों ये जो मस्जिद है ये एकदम वीरान रहती है, और हादसे इस मस्जिद में हुआ था, क्योंकि इसकी भी दोस्तों हालत काफ़ी बेकार हो चुकी है, इस मस्जिद की भी काफ़ी, क्योंकि नवाज पढ़ते टाइम जो लोग इस पर दबके मर गए थे, यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो सुनाई देती है, और लोगों को कहीं भी रात में यहाँ पर जो हैं वो चीज़ें दिखाई देती हैं। पर दोस्तों मैं चाहता था कि आपको ये चीज़ें ना बताऊं, क्योंकि एक हॉन्टेड प्लेस घोषित ना करूं, क्योंकि आपको कुछ ही, पर जो सच्चाई है मुझे लगा वही आपको बतानी चाहिए दोस्तों ये भैरव लोधी के रेख देख में थी ये मस्जिद, और उस टाइम ये हादसा हुआ, शायद भैरव लोधी भी उसी के अंदर दबके मर गया, और जितने भी अंदर मॉल भी थे और जितने भी इस एरिया में बैठे बैठे जो नमाज़ पढ़ रहे थे, यहाँ पे एक लंबा सा आपको चौतरा दिख रहा होगा, क्योंकि यहीं पे ही लोग नमाज़ पढ़ा करते थे, जो एग्जैक्ट इसके अंदर थे, जो खास लोग थे मौलवी साहब और जो भी नमाज़ पढ़ाया करते थे उन्हीं की दबके डेथ हो गई थी। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, हमें मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, बाय।